नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई सीबीटी 1 रिजल्ट की और सीबीटी 2 सिलेबस की और कब एग्ज़ाम डेट है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया एग्ज़ाम हुए। जैसे 22 मई से लेकर 2 जून तक एग्ज़ाम हुआ था और 26 से लेकर 28 जून तक हुआ था। बीच में कुछ डिले के कारण कुछ बच्चों को एग्ज़ाम रुक गया था, जिसको 26, 27, 28 जून को कंडक्ट कराया गया था। दोस्तों, जनरली आरआरबी क्या करती है कि जब भी एग्ज़ाम होता है उसके 10 से 15 दिन में आंसर की जारी कर देती है, जिसमें जो क्वेश्चन गलत होता है तो आप ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हो, जिसकी वजह से वो फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं और फाइनल मेरिट बना के आपका रिजल्ट जारी होता है। तो दोस्तों, आज 6 तारीख हो गया है और आंसर का की जो है आपकी एक्सपेक्टेड है कि 8 से 15 जुलाई तक आ सकती है। दोस्तों, ये डेट फिक्स नहीं है, इनका जो प्रीवियस ईयर्स प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट जारी करते हैं उसके बेसिस पे ये उम्मीद की जा सकती है कि 8 से 15 जुलाई तक आपका आंसर की जारी हो जाएगा और उसके एक हफ्ते के अंदर ही अगस्त फर्स्ट वीक मान लीजिए या जुलाई लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। मैक्सिमम डेट मैं मान के चलता हूँ कि अगस्त फर्स्ट वीक तक या जुलाई लास्ट वीक तक आपका आंसर आपका रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने पेपर, हालांकि सीबीटी 1 का ईजी आया था, काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया है पेपर, तो फिर भी मान के चलिए ये स्क्रीनिंग है, तो अगर आपने 60 प्लस किया है या 55 प्लस किया है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहता है, अगर आपके रॉ मार्क्स हैं। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ बच्चों का नंबर बढ़ेगा, कुछ का घटेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो डेट होगी, लगभग एक्सपेक्टेड होगी सितंबर के लास्ट में हो जाएगी। जो सीबीटी 2 का सिलेबस ऑफिशियली जारी किया गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, इसमें 100 टेक्निकल होगा जो कि ब्रांच से रिलेटेड है। जैसे आप मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल का, सिविल हैं तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का, ईसी है तो ईसी का। इस तरह से रिस्पेक्टिवली ब्रांच से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि डिप्लोमा लेवल के होंगे और 50 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नॉलेज एंड इस एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन होंगे, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन के 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से 50 नॉन टेक्निकल प्लस 100 टेक्निकल है। तो दोस्तों, नॉन टेक्निकल में तो आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने सीबीटी 1 और अदर भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा ही होगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ते होंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होगी, बस उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है और बार बार पढ़ना है। उसके बाद 100 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल्स आएगा। तो 100 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अभी से क्या करिए, चूँकि 7 से 8 सब्जेक्ट रहते हैं तो आप क्या करिए कि एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़िए। 2 से 3 सब्जेक्ट आप क्या करिए, एक बेसिक बुक उठाइए। हम बात करेंगे मैकेनिकल की, और मैकेनिकल का जो सारा सिलेबस है इस चैनल पे कवर किया जाएगा। 2 से 3 बुक आप क्या करिए उठाइए, 2 से 3 सब्जेक्ट। एक बुक उठाइए जैसे थ्योरी ऑफ मशीन है, RS कोर में उठा लीजिए, उसकी थ्योरी पढ़ डालिए, 3 से 4 घंटा लगेगा पढ़ने में। उसके बाद से आप एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए RS खुरमी की, RS खुरमी में क्वेश्चन कम रहता है तो इसको कम टाइम में कवर किया जा सकता है, या आप RK जैन की बुक ले सकते हैं, RK जैन में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। तो दोस्तों, जैसे एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसके बाद से RS खुरमी या RK जैन के 300 से 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उसको एक बार सॉल्व कर जाइए। बेसिक थ्योरी क्वेश्चन रहता है, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस तरह से दो से जब तक आपका आंसर जारी होता है, रिजल्ट आता है, मान के चलिए 4 से 5 सब्जेक्ट आप कवर कर चुके होंगे और प्लस नॉन टेक्निकल, तो बच जाएगा आपके 2 से 3 सब्जेक्ट। तो आंसर की जो रिजल्ट आपका आएगा उससे और एग्ज़ाम ड्यूरेशन के बीच में आप 2 से 3 सब्जेक्ट तैयार करने के साथ साथ बाकी का रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरा 100% सिलेबस कवर कर लेंगे और सीबीटी 2 में सेलेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों, इस पर हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों
सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे जिसकी वीडियो पहली वीडियो आज आपको शाम को मिल जाएगी, कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक नॉलेज के। दोस्तों अगर चैनल अगर हमारा कंटेंट सही रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।